हरियाणा के कई जिलों में किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन गुरुग्राम की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन जिला उपायुक्त का कहना है कि गुरुग्राम में इस आंदोलन का कोई खासा असर नजर नहीं आ रहा है। जिला उपायुक्त निशांत यादव का ये भी कहना है कि गुरुग्राम के तमाम बॉर्डर पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, जिससे गुरुग्राम वासियों पर इस आंदोलन का कोई प्रभाव ना पड़ सके। देखिए, गुड़गांव की हमारी प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। हमें एंटिसिपेशन ये है कि जो हमारा नेशनल हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे, वहां से जैसे पिछली बारी मूवमेंट हुई थी फार्मर्स की, वो हो सकती है। उसको लेकर के नेचुरली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ने ऑलरेडी वहां पे जो अपना बैरिकेड नाका लगाया है, और हमारी पूरी उसमें ये मानना है कि वो नाका जो है वो पर्याप्त रहेगा कोई भी अगर ऐसा अनूली एलिमेंट वहां था उसको रोकने के लिए। फिर भी हमारी मुस्तैदी पूरी है, हमने जो जब भी आवश्यकता होगी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करके ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मूवमेंट ना हो और हम गुरुग्राम जिले के बॉर्डर पे ही इस तरह की मूवमेंट को रोक दें। सर, मेवात से भी किसानों ने पिछली बार ये कहा था कि हम इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेंगे, तो मेवात से और कुडली एक्सप्रेस वे कुडली केएमपीए से सर ना आए किसान इस तरफ से, उसको लेकर वहां पे भी हमारी पूरी तैयारी रहेगी। कुंडली बॉर्डर पे वैसे सोनीपत प्रशासन और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है तैयारी की जा रही है, उसमें हमें एंटिसिपेशन नहीं है कि वो वहां से क्राउड गुरुग्राम में आएगी। बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, जो मेन मेन रोड है, सब जगह हम तैयारी रखेंगे। इसके लिए जो हमारी फोर्स है उनकी तैयारी होगी है, जो हमें रोकने के लिए और कोई इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो बैरिकेड्स हो चाहे और भी इक्विपमेंट्स हो, वो हमारी पूरी तैयारी। अच्छा, अभी तक के इनपुट्स क्या है, कितने किसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? अभी मुझे नहीं लगता कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स में कोई भी मूवमेंट होगी या कोई भी किसान उसमें पहुंचेगा। हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इस तरह की नौबतियां बिल्कुल नहीं। लेकिन सर, पड़ोसी दंगाइयों के सामने प्रशासन सारे फेल हुए हैं आज तक। देखिए, इस तरह की चीजों पे मैं तो यही कहूंगा कि सामाजिक सौहार्द जो बनाना है वो प्रशासन और समाज सबका काम है, और मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी आदमी ये चाहेगा कि इस तरह की कोई कानून व्यवस्था बिगड़े। और गुरुग्राम जैसे शहर में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये शहर अपने सौहार्द के लिए जाना जाता है और एक इकोनॉमी की लाइफ है। फिर भी हमारी पूरी तैयारी।